YouTube चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग हमारी टी से होती है, आपको पता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे, ये चाय को पसंद नहीं करते होंगे। अब तो खैर पहले से ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना पीने वालों की, बट मैं टी लवर हूँ, मतलब मैं हूँ, मुझे पसंद है। और अभी जो है ना सुबह का टाइम है और मैं अभी ब्रेकफास्ट में लगी हुई हूँ। रख दूँगी तो साफ नहीं आएगा, नहीं रखूँ कैसे होगा। आटा अभी लगाया है, चाय अभी छानने वाली हूँ। और इसके कल आपको पता है पार्टी में गए हुए थी, इयरिंग्स वगैरह इसलिए खोल दिया है। तो कह रहे थे पार्टी में खाना खाया ना, दाल बनाना है दाल। मैंने बोला ठीक है बना दूँगी, तो मैं दाल रख देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से चाय पी के। लोकेशन देखा उससे हमें ऐसा लगा कि शायद दो चार मिनट लेट है बस। अभी मैं वो पीछे ना पीछे भी करो, गाड़ी पीछे करो। और सुजीत है, उनको बहुत दूर जाना होता है, और जो प्रीति के भाई हैं उनको गुड़गांव जाना होता है, सो उनको थोड़ा जल्दी जाना होता है फटाफट से। मैंने इसीलिए धनु को पहले उससे बाद में बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा धनु को जाने से पहले। और धनु उनका रोटी वोटी सेक दिया कि लंच वंच ले कर चले जाएँगे। सो गाइस, धनु को हम स्कूल छोड़ के आ गए हैं और अभी हम आज स्कूल की बस भी तो लेट ही है यार। और इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, ऐसे हो होता है। तो अब इतना लेट आएगी तो फिर लेट नहीं होगा। और तो गाड़ी से जाना होता है तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाता है ना, याद है आपको स्कूटी से जब आप जाते थे? अच्छा, कितना दिक्कत होता था आपको? हाँ, दिक्कत गर्मी में इतना धूप लगता था। और उसके कई बार मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र भी किया हुआ है इन सारी चीज़ को जिक्र भी किया हुआ कि जो जाते ना स्कूटी पे, सोचो ठंड में इतनी ठंड लगती थी, गर्मी में इतना गर्म होता था, बरसात में भीग जाओ, बहुत बुरा लगता था। कि चलो ठीक है, अब तो कम से कम इतना वो हो गया है कि अपना गाड़ी से जाओ, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। दिन कभी कभी एकदम से अचानक से बदल जाता है ना, पता भी नहीं चलता, इसे कहते हैं किस्मत। सो गाइस, तो पति देव जी कभी ऑफिस, अरे आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? पानी पी रहा था, ऐसी ही बात सोच रहा था यार। क्या लेट नहीं हो रहा क्या आपको, जो बैठ के बातें सोच रहे हो? नहीं, अभी टाइम है, बस यही सोच रहा हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से, उनकी दया से लाइफ ठीक चलने लगी है ना। अच्छा, वो वाली बात याद आ रही थी। अच्छा हाँ, कि बस मतलब टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता है। तो हम अपने ऑडियंस से उनसे भी शेयर कर लेते हैं ये बात। हाँ। आज हम आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी इंसान की जब लाइफ जो है ना वो व्यवस्थित हो जाती है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे स्पेशली जो दिक्कत होती है ना किसी की भी इंसान में की लाइफ में, वो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, या जॉब से रिलेटेड होता है, या फैमिली से रिलेटेड होता है, करियर ओरिएंटेड होता है। तो हमारे साथ भी ऐसी समस्याएँ रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 2020-21 में परिस्थितियां कुछ हमारे अनुकूल नहीं थी, चीज़ें ठीक नहीं थी, मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा काम छूट गया था बल्कि। और फाइनेंशियली भी भाई, जब काम नहीं होता है तो हमें एज अ कपल, एज अ फैमिली सफ़र बहुत करना पड़ा उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ें हैं जो जिसका सामना हमें करना पड़ा। हाँ, और जब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होता है ना तो पारिवारिक प्रॉब्लम भी बन जाता है। मतलब कि पैसों की दिक्कत की वजह से ना घर में भी ऐसे कलेश, लड़ाई झगड़े कपल में, हस्बैंड वाइफ में होने लगता है। क्योंकि जो जॉब करते हैं, जो अपने फैमिली को रखना चाहते हैं अच्छे सब कुछ, तो उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या करें, अपने बच्चे के लिए क्या करें, अपनी फैमिली के लिए क्या करें। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में रहते हैं, चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं चलती है। किसी से अगर हम हेल्प भी मांगे या कोई हमारी हेल्प भी करे, तो कोई कितना क्या कर सकता है। एक खुद के पैरों पर खड़ा रहना और अपनी लाइफ को जीना अपने हिसाब से, हमारे पास ऐसे भी टाइम आए हैं जहाँ पे हमें कुछ भी करना होता था ना, कोई भी चीज़ करना, तो उसके लिए बहुत सोच समझ के हमें करना होता था। हम एक बहुत ही मतलब नैरो तरीके से, हाँ, बजट हमें रोकना पड़ता था, बहुत रोके कि हम ये करें या ना करें। हमें कुछ सेलिब्रेट करना है तो करना है, नहीं करना है, कुछ नए कपड़े लेने हैं नहीं लेने हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना हमें सोच समझ के करना पड़ता था, चलना पड़ता था। लेकिन थैंक गॉड
कि हमारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा भी मिला, हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। आज के डेट में हमारी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है, बहुत सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे भी कारण है। क्या प्रॉब्लम से जब हम गुजर रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग अपने अलग अलग एक एक सुझाव सजेशन, देते हाँ, हैं। सुझाव देते थे, ये कर लो वो कर लो। बहुत भगवान की बहुत माथा टेका है हमने। मैं तो सही बताऊँ, नवरात्र में एक बार कीर्तन हो रहा था ना, मैं नहीं चाहते हुए मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे, और उस कीर्तन में मतलब ऐसे बहुत रोना आ रहा था। लेकिन हो जाता है, एक जब ऐसे प्रॉब्लम इंसान प्रॉब्लम में रहता आती है तो है तो इंसान भगवान के आगे ही रो सकता है ना, कि भगवान तू ही सहारा है और तू ही हमारी हेल्प नहीं करेगा तो कैसे होगा। तब इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें सजेस्ट किया था, हाँ, तब मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने उन्होंने मुझे बोल सजेस्ट किया था। तो फिर हमने फिर एस्ट्रोटॉक ऐप पे जो हमारी ज्योतिषी हैं पल्लवी गुरु जी, हमने उनसे बात की थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ उनको और वो बताया था टाइम, कि भाई ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये प्लेस है, इस तरीके से। और उन्होंने बिना मेरा नाम या कोई भी प्रॉब्लम सुने बगैर ही मेरे को ये बता दिया कि भाई आप फाइनेंशियली जूझ रहे हो, आपका काम चौपट हो गया है, इस तरीके की आपके साथ समस्याएं आ रही हैं। और मैं शॉक्ड हो गया कि इनको ना मैं जानता ना पहचानता, सिर्फ ऐप के थ्रू मेरी उनसे बात हो रही है, तो ये हुआ कैसे। और 2020-21 से आज तक मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कंसल्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को। उनके बताए हुए हमने उपाय किए कि भाई आप ऐसे मंदिर में जोत जलाओ, अपने गेहूं हिसाब से खिलाओ। बताया था, हाँ, जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब उस से। हिसाब से उन्होंने कितने दिन के लिए? 9 दिन के नौ लिए दिन के उन्होंने लिए बोला, 9 दिन फॉलो आपको ये रूल जो है फॉलो करना करना है। था। तो हमने तो फिर मैंने किया, जो घर पे पॉसिबल इनके लिए था वो इन्होंने लगातार किया। और फिर ये चमत्कार हुआ हमारा, जो यूट्यूब, मतलब इनकी जॉब तो लगी ही लगी, यूट्यूब भी साथ हमारा में धीरे यूट्यूब धीरे का भी आगे जो बढ़ है, रहा है। हाँ, वो ग्रोथ करने लग गया। और हमें बहुत खुशी हुई इस बात से, और आज हम बस खड़े हैं ये अपने पैरों पे। एक मतलब एक थैंक यू मैसेज है पल्लवी जी के लिए, कि मैम सीरियसली मैं आपके बताए तरीकों को जब हमने फॉलो किया तो हमारी सिचुएशन भी अच्छी हुई, इंडिविजुअली हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा हुआ, चीज़ें बदलने लगी। जब माहौल आसपास का पॉजिटिविटी में बदला, सोर्स ऑफ अर्निंग हुई, तो हम अंदर से भी खुश हुए। तो हमें मैम स्ट्रांग भी थैंक हुए यू हैं। आपको इस चीज़ के लिए। अगर आपको भी कंसल्ट करना है तो जो आपके लिए आसानी हो जाएगा, लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके और डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बताएंगी और सॉल्व भी करेंगी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं, उनसे ऐप को इंस्टॉल करते इंस्टॉल हैं, करेंगे तो आपका जो फर्स्ट चैट होगा वो फ्री फ्री होगा। होगा। तो प्लीज़ देरी मत कीजिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और ज़रूर उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम से उन्हें बताइए। बाय गाइस, नहीं बाय पल्लवदेव जी, बाय बाय, चलो बाय। ऑफिस जा रहे हैं अब, प्रीति रह गई, पहले सुजीत गए, पहले बाबू, फिर सुजीत, फिर आप, अब जाएंगे प्रीति और उसके बाद मैं। घर में सामान भरवा दे, चल प्रीति बाय। 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 सो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी घर में कोई नहीं है, बस मैं अकेली हूँ, रवीना भी नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो अकेली रहती हूँ ना, तो मैं बोल बोल के बहुत ब्लॉग बनाती हूँ। और मैंने ये नोट किया हुआ है कि जब मैं खुल के बात करती हूँ आप लोगों से, हंसती हूँ, बोलती हूँ, वो ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और आप लोग मतलब बहुत सारा प्यार देते हो उस ब्लॉग को। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि मतलब बिना किसी प्रेशर के मैं सारे ब्लॉग बनाऊँ। बहुत बार आप लोगों ने ऐसे कमेंट किया है कि दी प्रेशर में आके नहीं, आप ब्लॉग बनाओ, अच्छे से इंजॉय करो। यार चाहती हूँ मैं, बिल्कुल चाहती हूँ, ठीक है। और मेरे अंदर तो एक इतनी बड़ी कमी है ना, चाहे मैं कितने भी दुख में रहूँ, अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे हंसी आ जाती है। मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे कि उस दिन पेन हो रहा था ना, तो किसी ने बोला था कि हंस रही है, ऐसे बोल, तो वो मुझे हो जाता है। जैसे मुझे कितना भी पेन हो रहा है, कोई हंसा, वो तो दर्द था ना, ऐसे चेस्ट में था, ऐसे थोड़ा सा नीचे साइड में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब धनुआ होने वाला था ना, तो मुझे लेबर पेन उठा था, और वो लेबर पेन इतना हाई लेवल का हो गया था कि सब लोग परेशान, मतलब मेरा वो सिजेरियन करना पड़ा। लेकिन वो पेन ऐसा था ना कि ओटी के टेबल पर ले जाके भी डॉक्टर ने ट्राई किया था कि नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाए। वो बार बार कहते कोई इतना डीपली इतना हाई पेन ले रही है, फिर भी नॉर्मल क्यों नहीं होगा। इसलिए सबने कोशिश की थी, पूरे डॉक्टर ने, हेड डॉक्टर ने भी कोशिश की थी। तो मैं ये बता रही हूँ उस टाइम की, तो उस टाइम भी ना जो मतलब मेरे हस्बैंड है, जब वो दर्द हो रहा था, मैं रूम में, मैं अपने घर पे थी, सब लोग बोल रहे थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन मैं मना कर रही थी बस इसी डर से कि कहीं मैं जाऊंगी जल्दी और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा वो सी सेक्शन ना कर दे, क्योंकि रात का टाइम था, तो हर डॉक्टर सोचते जल्दी से निपटाओ और निकलो, ऐसे टाइप का। तो मैं इसी डर से नहीं जाती, मैं कहती कि नहीं मतलब मुझे नॉर्मल करवाना है, ऐसे करके मैंने बहुत मेहनत की थी नॉर्मल के लिए, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ किया था, दो दो बार पोछा लगाती थी, मतलब कि कैसे भी ना मेरा नॉर्मल हो इस वजह से,
ठीक है, उसे भी नॉर्मल करवाना है। तो क्या हुआ ना कि उस टाइम पे वो ऐसी मुझसे बातें करेंगे, ऐसी बातें करते थे कि मैं पूरा रो रही हूँ, मम्मा इतने तेज दर्द हो रहा है, और उसी में ही करने लग जा रही थी। तो ये मेरे साथ हो जाता है, पता नहीं क्यों। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कभी कोई सिचुएशन ऐसा चलता रहे और हमें किसी की शक्ल देख के कोई चीज़ मैं हंस दूँ तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, बट सच में है मेरे साथ ऐसा। और लोग कहते हैं कि अच्छा लगता है कैसे ही परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते रहते, तो ये मेरी कमजोरी नहीं पता मुझे। देखो मुझे मतलब क्या ही बोलूँ यार, वर्ड ही नहीं है, और वर्ड को कैसे क्या पकड़ा जा सकता है ये भी नहीं पता है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बर्तन वगैरह धोना है, सेल्फ जो है उसे साफ़ करना है, और आम जो है खाली करके फ्रिज में डाल दिया क्योंकि उस पर ख़राब हो जाता है ना, रखे रखे थोड़े दब रहे थे तो उसको डाल दिया। और अभी मैं जा रही हूँ पहले बर्तन धो लेती हूँ, ये सब साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, बर्तन धोते धोते एकदम से ध्यान आया कि बाबू को स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा है बस स्टॉप से। तो मैंने जाकर टाइम देखा, उन्होंने वो तेरी टाइम तो हो गया, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास, अभी नहाना भी है। फिर मैंने फटाफट से बर्तन निपटा के और बस गई और जल्दी से नहाई, और फिर मैं धनु को लेने के लिए गई। एकदम मतलब कि लेट ही हो गया था ऐसे टाइम पे पहुंचे। एंड आज के दिन एंगेजमेंट है, तो अभी तो पतिदेव जी ऑफिस है, पता नहीं कब आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर एंगेजमेंट का व्लॉग जाता है तो उससे पहले या बाद में जाएगा, एक ही दिन का ये दोनों व्लॉग रहेगा, सो एक साथ जाएगा। और बस मुझे आप लोगों को प्यार और साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन से ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं इसके बाद जो भी व्लॉग डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। अगर आप लोगों को ये सूट चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम कामनी जी पर डिटेल इसका मिल जाएगा। मैंने अपने धोलिए बस लगाया नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, लाइट बंद कर दूँ। एक्चुअली टाइम हो गया है धनु के स्कूल से आने का और मैं अभी नहाई नहीं, तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले नहाऊँगी और उसके बाद मैं उनको लेने जाऊँगी। 10 मिनट टाइम है मेरे पास, बस 10 मिनट नहीं, 5 मिनट टाइम है, 10 मिनट 5 मिनट तो मुझे जाने में लगेगा, सो मैं फटाफट से पहले। सो गाइज, नाव आकर निकली और मैं लेट हो गई धनु को लेने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ और बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं ना, तो व्यूज इतने से जा रहे हैं तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए कि क्या करना, हम तो ऐसे भी देख लेते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए किसी भी ब्लॉग का जो भी मैं अपलोड करूँ। और इस ब्लॉग को पहले लाइव करते हैं, बाद में आज ही एंगेजमेंट है तो मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी एंगेजमेंट वाला, हम सब जाएंगे उसमें और खूब सारा एंजॉय करेंगे और आप लोगों के साथ भी मस्ती करेंगे, मतलब आपको भी जो हम एंजॉय करेंगे दिखाएंगे। आप लोगों को जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा चलती हूँ तो मैं अपने लगे तो थक जाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।